सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जंडू पंचारिष्ट के बारे में। इसके क्या फायदे हैं, कैसे आपको लेना है, क्या डोसेज हैं, क्या प्राइस है। तो दोस्तों, नाम तो आपने सुना होगा जंडू पंचारिष्ट। ये काफी फेमस जो है ब्रांड भी बोल सकते हैं और मेडिसिन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हम प्राइस से शुरुआत करते हैं, इसका प्राइस क्या है। तो अगर आप 450 ml की बॉटल लेते हो तो ये आपको 132 रुपये में मिलेगी। तो दोस्तों, प्राइस जो है समय के साथ इंक्रीज होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, हालांकि कम तो होता नहीं है, ज़्यादा ही होता है। और ये जो जंडू पंचारिष्ट है, बहुत सारे हर्बल इन्ग्रीडियंट से बनाया गया सिरप है, या फिर हम मेडिसिन इसको बोल सकते हैं। और करीब इसमें 35 टाइप के हर्बल इन्ग्रीडियंट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। और ये 100% वेजिटेरियन है, मतलब जो लोग वेजिटेरियन हैं वो बिल्कुल इसको ले सकते हैं। अब भाई, ये खरीदना कहाँ से है? तो कोई भी जो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है वहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा, अमेजोन की लिंक दूंगा। तो आप जो है अमेजोन से अगर ऑर्डर करोगे तो आपको हो सकता है कि कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एक बार जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, अब इसके फायदे के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो जंडू पंचारिष्ट जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा सिरप हम इसको बोल सकते हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये मजबूत बनाता है। और अगर आपको गैस की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, रेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहता है, या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उस कंडीशन में आपके लिए जंडू पंचारिष्ट काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका खाना सही तरीके से नहीं पचता है, या फिर आपको भूख कम लगती है, तो भूख को बढ़ाने का काम भी करता है ये जंडू पंचारिष्ट। इसके अलावा अगर आपको IBS की प्रॉब्लम है, या पेट फूलने की प्रॉब्लम है, पेट आपका फूला फूला लगता है, तो उसमें भी काफ़ी फायदेमंद है। या फिर भाई कुछ भी खाने के बाद जो है आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो। और इसके अलावा जो है ये लीवर को मजबूत करता है। वो जो जिम वगैरह जाते हैं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है वो खाते हैं, उनको खाना पड़ता है, तो होता क्या है कि भाई वो प्रोटीन भी ले रहे हैं, खाना भी ज़्यादा खा रहे हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, खाना सही तरीके से नहीं पचता है। तो जो जिम वाले लोग हैं वो भी इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है, अगर आप कभी कभी जैसे देखा होगा आप पार्टी में जाते हैं, भाई शादी में जाते हैं, उल्टा सीधा खा लेते हैं, आपको दिक्कत, मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई दूसरे दिन हमको कब्ज हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, तो आप इसको अगर ले लोगे ना, शादी पार्टी में कुछ भी उल्टा सीधा खाया, लेकिन अगर आप इसको उस खाना खाने के बाद या रात में सोने से पहले ले लोगे, तो सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, मेनली ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए और खाना सही तरीके से पचे, उसके लिए बनाया गया है आपका पंचारिष्ट। तो चलिए, अब इसके डोज के बारे में हम बात करते हैं, कैसे आपको इसको लेना है। तो 15 से 30 ml आपको एक बार में लेना होता है। और ये जो है एक दिन में आप इसको 2 बार तक ले सकते हो। और ये जो कुछ भी खाने के बाद लेना है, कुछ भी जैसे खाया, नाश्ता किया, उसके 20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद आपको लेना है। और इसको जो है पानी के साथ लेना है, मतलब जैसे कि आपने 30 ml इसको लिया, तो 30 ml ही इसमें पानी मिलाना है। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पानी हो सकता है, कोई इधर समस्या वाली बात नहीं होगी। तो इसको पानी के साथ मिला के लेना रहता है। अब भाई, मेल फीमेल कोई भी इसको ले सकता है, लेकिन बच्चे अगर हैं तो, अगर बच्चा छोटा है, मान लीजिए 10 साल से छोटे बच्चे हैं, तो वो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें तभी दें, क्योंकि ज़्यादा छोटे जो बच्चे होते हैं उनको जो है बिना डॉक्टर के सलाह करे बिना नहीं लेना चाहिए कोई भी मेडिसिन। लेकिन बच्चा अगर 10 साल का है या 10 साल से ऊपर है, तो उसको एक बार आप इसको देकर देख सकते हो, एक दिन में केवल एक बार। और बाकी जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं लेना है, क्योंकि प्रेग्नेंसी में अननेसेसरी जो है कोई भी मेडिसिन नहीं ली जाती है। तो आप इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो है एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाई गई मेडिसिन है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है साइड इफेक्ट इसको लेने के बाद, तो आप इसको लेना बंद कर सकते हो। और इधर जो है मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो इसको ना लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है शुगर ऐड है, ऐसा हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा ये मीठा है। तो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं ना, उनको वैसे भी सिरप लेने से मना किया जाता है। अगर आपको ये लेना है तो एक बार जो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। हालांकि अगर आपको ज़्यादा शिकायत नहीं है, अगर आपकी ज़्यादा रीडिंग जैसे शुगर की नहीं आती है, तो आप वैसे तो इसको ले सकते हो, लेकिन भाई मैं सलाह नहीं दूंगा, डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें आप। और इसके अलावा बाकी कोई भी जो है, अगर आपको BP है या कोई भी बीमारी है, तो आप बिल्कुल ये जंडू पंचारिष्ट ले सकते हैं, इधर कोई समस्या नहीं है। अब ये रिजल्ट कब तक मिलेगा? तो देखिए, बेस्ट रिजल्ट के लिए जो है कम से कम आपको 1 से 3 महीने तो इसको लेके देखना पड़ेगा। हालांकि 1 महीने बाद ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। अब भाई, लेकिन समस्या ये है ना इधर, कि हम क्यों लेना चाह रहे हैं इसको, या आपको आपको क्या रेगुलर ये इंडाइजेशन की शिकायत होती है, रेगुलर कॉन्स्टिपेशन होता है? अगर रेगुलर नहीं होता है, मान लीजिए कभी कभी होता है, आपको कुछ खाने के बाद होता है, जैसे कि आपने उल्टा सीधा कुछ खा लिया, तो केवल उसी दिन लीजिए,
ऐसा भी आप कर सकते हो, मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है पहले तो आप ये समझिए। मान लीजिए जैसे अभी अभी मैंने बताया था आप शादी पार्टी में जाते हैं तो उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि दूसरे दिन जो है हमारा पेट खराब हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको ले सकते हो। रेगुलर अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो इसको एक बार रेगुलर लेके देखिए, और प्रॉब्लम अगर आपकी सॉल्व हो जाती है तो उसको लेना भी बंद कर सकते हो। अब इधर जो है कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप ये जंडू पंचारिश लेते हो तो आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, जैसे कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है, वो ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, और हो सके तो फाइबर वाला खाना खाइए, और जितना हो सके पानी पीजिए, पानी जो है काफ़ी अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, वो टाइम पर खाइए, टाइम पर नाश्ता करिए, टाइम पर सोइए, और कम से कम जो है रात में अच्छी नींद लीजिए 8 घंटे की। और इसके अलावा आप एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा, और आपको जो है इस जंडू पंचारिष्ट का बहुत अच्छा जो है फायदा या फिर मैं बोल दूँ रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, लेकिन अभी भी कोई डाउट है इस जंडू पंचारिष्ट को लेकर तो आप मुझे जो कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ से रिलेटेड और आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।